महाराष्ट्र के कोंकण में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। कुछ दिनों की बारिश ने वहां पर स्थिति बेकाबू सी कर दी है। महाड जिले में कई जगहों पर जलभराव हो गया है, नदियों का स्तर बढ़ गया है और लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि जून महीने में कोंकण में बारिश काफ़ी कम हुई थी। अनुमान लगा था कि इस साल औसतन बारिश कम रहेगी। जून में ही पिछले सालों की तुलना में 30% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन जुलाई महीने के शुरुआत होते ही मौसम ऐसा बदला कि अब 2-3 दिन से सिर्फ बारिश ही हो रही है। बारिश भी इतनी तेज़ है कि नदी नाले तालाब सब बह गए हैं, सड़क पर पानी जमा हो चुका है। वहीं महाड़ के निचले इलाकों को सबसे ज़्यादा प्रभावित ये अभी चल रहे हैं, जहां पर लोगों को अब अपना घर ही छोड़ना पड़ रहा है। पानी इतना ज़्यादा भर चुका है कि लोगों को अपना सामान लेकर दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को चौकन्ना रहने के लिए भी कहा गया है। कुछ जगहों पर क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है, ऐसे में प्रशासन ने इस सिलसिले में भी सभी से सतर्क रहने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के कोंकण में जिस तरह की बारिश हो रही है, लोग इसकी तुलना पिछले साल महापुर में हुई बारिश से कर रहे हैं। तब महापुर में मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी थी। कई दिन तक जीवन अस्त व्यस्त रहा था। वैसे महाराष्ट्र के अलावा देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। गुजरात में आने वाले 5 दिनों में मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। स्थिति को देखते हुए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में NDRF की 6 टीमों को तैनात किया गया है। दक्षिण गुजरात के अलावा मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। अभी के लिए सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस समय पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन गढ़वाल के जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं कुमाऊं के जिलों में भी 9 तारीख तक भारी से बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश में मानसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। कई शहरों में जोरदार बारिश के साथ निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए 15 जिलों में भारी से अधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भारी वर्षा से अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जिन 15 जिलों के लिए जारी किए हैं, उनमें बालाघाट, मांडला, सतना, अनूपपुर, शहडोल, वहीं उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवानी, सागर, दमोह, छतरपुर जिले शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।